किस तरीके से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर्मेट करके ड्राइव सी बिना अपने डाटा खोए। ठीक है, आपको अपना डाटा नहीं खोना, सिर्फ ड्राइव सी को आपको डिलीट करना है जिससे कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आप मेरा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल वाला आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, हम अपने कीबोर्ड को चेक कर लेंगे, सारा कीबोर्ड वगैरह वर्किंग है नहीं। हम अपने कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे, रिस्टार्ट करने से पहले हम अपना पेन ड्राइव इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ही आता है इसका, देखिए इसमें F12 दबाना होता है, F12 बूट मैनेजर रिसेट करेंगे। रिसेट करने के बाद हम दोबारा इसको करेंगे प्रोसेस, F12 दबाएंगे बूट मैनेजर में जाने के लिए। ठीक है, F12 अब जाएगा, ये लोडिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों लोडिंग हो रहा है, नीचे देखते हैं। अब देखिए इसमें ऑप्शन आ रखा है, देखो काफ़ी सारे फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, सीडी है, उसके बाद जाके यूएसबी है, बूट एंड चार्ट है। ठीक है, हम यूएसबी से करेंगे तो हम सेकंड सेलेक्ट करते हैं यूएसबी। इसमें देखिए हम अपना, इसमें देखिए हमारा पेन ड्राइव जो है किंग स्ट्रॉम का है, तो इसमें नाम आ गया है, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको दबाते हैं। उसके बाद ओके दबाने के बाद देखिए इस तरीके से दोस्तों प्रोसेस लेता है, नीचे वेरिफिकेशन होता है इसका। प्रोसेस लेने के बाद जब आगे बढ़ता है तो हम देखेंगे आगे का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे विंडोज सेटअप या फिर आपको रिकवरी करना है, क्या करना है, जो भी आपको करना है, रिकवरी करना तो रिकवरी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली विंडो पहले वाले ऑप्शन में। ठीक है, करते ही आगे बढ़ जाएगा फाइल, फाइल लोडिंग होता है इसमें, थोड़ा समय इसको हम देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो, आज हम वैसे इसमें विंडो अल्टीमेट था लेकिन थोड़ा काफ़ी स्लो हो रहा है इसी में। देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट होने वाला है, जैसे होता है उसका जगह हम आगे वाले प्रोसेस में जाएंगे। नाउ ये अब कंप्लीट हो गया है, अब इसको लोडिंग हो गया, अब कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से थोड़ा स्टार्टअप होगा, स्टार्टिंग विंडोज होगा, उसके बाद जाके नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, हर एक चीज़ के लिए फटाफट से कुछ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, हर एक चीज़ करने में, तो जब विंडो स्टार्टिंग होता है, विंडो स्टार्टिंग होने के बाद जाके नया प्रोसेस खुलता है। देखिए इसमें आपको डाटा लॉस नहीं होना है, जो भी आप डाटा वगैरह रखते हैं इसमें विंडो सी के अलावा, वो डाटा आपका सेव रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ डाटा बिना डाटा खोए कैसे विंडो को फॉर्मेट करके विंडो को चढ़ाना होता है। विंडो 7 देखो, अल्टीमेट अल्टीमेट चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। ठीक है, मेरे इसमें तो मल्टी है तो मैं कुछ भी चला सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आप आता है लैंग्वेज सेटिंग, आपको इंग्लिश में ही रखने देना है। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, कीबोर्ड इनपुट US। ठीक है, इसको नेक्स्ट करने आप हैं, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट करना है, आई करेंगे आप इंस्टॉल इंस्टॉल करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए अच्छे तरीके से, थोड़ा रोशनी आ रहा है इसमें, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छे से देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे, क्लिक नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्टिंग सेटअप स्टार्टिंग होता है, ट्राईपोर्ट नहीं है दोस्तों, क्या करें, हाथ से करना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें मेरे इसमें तो बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए स्टार्टर है, SP1 है, बेसिक होम बेसिक है, होम प्रीमियम है, प्रोफेशनल है, अल्टीमेट है, फिर जाके आपका एंटरप्राइज है, होम बेसिक रिटेलर है, काफ़ी सारे हैं ऐसे मेरे इसमें। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, ठीक है मेरे को अल्टीमेट अच्छा लगे तो मैं अल्टीमेट करूँगा। अल्टीमेट 32 बिट वाला चला रहा हूँ, 86x86। देखिए इससे पहले 64 बिट का था, 64 का चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सोच रहा हूँ कि प्रोफेशनल चढ़ाऊँ। प्रोफेशनल अल्टीमेट मैंने चढ़ाया था इससे पहले, बट वो थोड़ा हैंग कर रहा था फोन सिस्टम को मेरे, तो मैं रिटेल जो ये प्रोफेशनल है उसको चढ़ाने वाला हूँ। इसको नेक्स्ट करते हैं, इसको एक्सेप्ट, यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, इसमें नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दो ऑप्शन आते हैं, एक अपग्रेड का ऑप्शन आता है, कस्टम का ऑप्शन आता है, ये आप चाहे CD से करें किसी से करें, दोनों में से सेम ऑप्शन आएंगे, तो हम करेंगे कस्टम वाले में। कस्टम वाले में ऐसे करते हैं, देखिए यहाँ पे पार्टीशन है, तीन पार्टीशन, तीन में से जो विंडो सी ड्राइव है इसमें देखिए 29.3 GB वाला, ये हमारा सिस्टम वाला है। ठीक है, जिसमें हमने
विंडो रखते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखें, इसमें ये जो होता है हमारा जब अदर पार्टीशन होता है, और ऐसे आपके इसमें कैसे हो सकते हैं, तो आपको पहला वाला जी जिसमें सिस्टम लिखा होता है, इसमें सिस्टम होता है, आपको ये वाला फॉर्मेट करना है सिर्फ। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे जो ऑप्शन है ड्राइव ऑप्शन एडवांस, इसको हम करते हैं। इसको सेलेक्ट करके जब यहाँ पे करते हैं तो ये सब ऑप्शन खुल जाता है, फिर रिफ्रेश डिलीट, चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं, बट डिलीट नहीं करना है यहाँ पे, सिर्फ फॉर्मेट करना है। यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे, ओके करेंगे, कुछ सेकंड लगते हैं फॉर्मेट होने में। फॉर्मेट होते ही पूरा स्पेस खाली हो जाएगी। यहाँ पे जो आप रखोगे दूसरे वाले ड्राइव पे वो पूरा वैसे का वैसा ही रह जाएगा, आपको इसको छेड़ना भी नहीं है। सिर्फ पहले वाले सिस्टम में जहाँ से आपको विंडो उड़ाना है, जिसमें आपको विंडो चढ़ाना है, तो पहले वाले में हमने इसको फॉर्मेट करा। इसको फॉर्मेट करने के बाद, इसको फॉर्मेट करने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मेट हो गया देखिए दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ सिंपली नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक दोबारा करते करेंगे। हैं दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे ख्याल से। आप देखिए दोस्तों ये चल रहा है अभी, देखिए इस वाले प्रोसेस में थोड़ा समय हमें लग सकता है। हम वीडियो को थोड़ा यहाँ पॉज करते हैं, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको दोबारा प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ऑलमोस्ट हाफ तक पहुँच चुका है, थोड़ा समय और चाहिए, मुश्किल से मुश्किल लगता है प्रोसेस। अगर आपका सिस्टम सही चल रहा है तो ज़्यादा नहीं है समय, मेरे ख्याल से शायद 3 या 4 मिनट या 5 मिनट लग सकता है। सिस्टम अगर थोड़ा स्लो है तो थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभार होता है ऐसा। सिस्टम के ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से विंडो कितना जल्दी फाइल एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। मेरे यहाँ पे करीबन 5 से 6 मिनट लग सकता है, तो मैं थोड़ा सा वीडियो को दोबारा पॉज करूँगा जब तक कि फाइल कंप्लीट नहीं होता, फिर आपको दिखाता हूँ। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म है, डन है पूरा, 1% रह गया है। देखिए यहाँ पे हो गया, सेकंड थर्ड वाला भी ऑप्शन हो गया, इंस्टॉलेशन फीचर्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, फोर्थ वाला चल रहा है अभी काम। फोर्थ वाले में यहाँ से भी देखिए नीचे वाला, नीचे बॉर्डर देखिए, नीचे बॉर्डर ऑलमोस्ट इतना पूरा होना चाहिए कंप्लीट। तो अभी हम फोर्थ वाले में चल रहे हैं, इसको भी टाइम नहीं लगता जितना टाइम सेकेंड वाले पर लगता है, उसके बाद एक में भी टाइम नहीं लगता, बाकी सारे ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। कंप्यूटर रीस्टार्ट लेगा अभी थोड़ी देर में, देखिए कंप्यूटर रीस्टार्ट ले रहा है। आपको कुछ नहीं करना, किसी से में छेड़छाड़ नहीं करना, ऑटोमेटिकली होगा सब कुछ, आपको होने देना जैसा जैसा हो रहा है होने देना। उसके बाद देखिए बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जैसा हो रहा है होने देना उसके पास। दोबारा स्टार्ट होगा कंप्यूटर, रीस्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, ठीक है। कुछ भी बटन नहीं दबाना आपको, सिंपली होना है, ऑटोमेटिकली होगा। स्टार्टिंग हो रहा है, ठीक है दोस्तों, हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस अब थोड़ा सा सेटिंग बचेगा, सेटिंग करना है हमें। फिर देखिए ये वाला लास्ट वाला बच गया, होने वाला है बस खत्म अब इस बार। ठीक है दोस्तों, सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब लास्ट वाला प्रोसेस जो बचता है वो आपको दिखाता हूँ फटाफट से। अगर आप लोग को विंडो इंस्टॉल करते हुए कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट करें। सबसे पहले देखें किसी किसी कंप्यूटर में, जैसे मैंने F12 दबाया था, ठीक है, हर कंप्यूटर में जरूरी नहीं कि F12 से आए बूट मैनेजर। आप डेल जो डिलीट वाला बटन होता है उससे भी आ सकता है, या फिर ESC एस्केप जो बटन आता है उससे भी आ सकता है, या फिर F10 से भी आ सकता है। अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग सेटिंग होता है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें जब भी विंडो इंस्टॉल करें तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, आप लोग हर एक बटन को ट्राई करें। उसमें बेसिकली तो ऑफलाइन ऑप्शन आ जाता है, बट फिर भी F12 होता है, डेल बटन होता है, फिर एस्केप बटन होता है, F10 भी होता है, तो उस चीज़ को आप लोग प्लीज़ देख ले और सोच समझ कर आगे बढ़े। नहीं होता है तो प्लीज़ संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल सहायता करूँगा हर एक चीज़ के लिए। कभी किसी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग में प्रॉब्लम होता है उसके लिए आप मुझे प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का भी हर एक जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों अब ये ऑप्शन आता है, इसमें लिखना होता है हमें कंप्यूटर का नाम, जो भी आप देना चाहें, ठीक है। यहाँ पे देखिए विंडोज 7 होम बेसिक मैंने कर रखा है, आप चाहे किसी कोई भी नाम आप देना चाहें, अपना नाम खुद दे दे, जो भी आप नाम देना चाहें उसको नाम देने के बाद नेक्स्ट करें, इसमें क्लिक, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड बोलता है, अगर आपको देना है तो ठीक है, नहीं तो सीधा सिंपली नेक्स्ट करेंगे बिना पासवर्ड के। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, हेल्प प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर टू इम्प्रूव विंडोज ऑटोमेटिकली,
आस्क मी लेटर भी कर सकते हैं या यूज रिकमेंडेड सेटिंग भी कर सकते हैं। अब मैं पहले वाला करता हूँ, उसका देखें यहाँ पर टाइम एंड डेट सेटिंग। टाइम एंड डेट आप करेंगे इंडिया में, प्लस फाइव में आते हैं, प्लस फाइव में होता है ये, प्लस फाइव तो नहीं चाहेगा, प्लस फाइव देखिए यहाँ पे चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, इस वाले में क्लिक करेंगे। यहाँ पे टाइम एंड डेट ठीक है, ओके करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये लास्ट सेटअप लेता है अपना, स्टार्टिंग होता है ये विंडो। मैं आपको दिखाऊंगा डाटा, मेरा डाटा कुछ भी खत्म नहीं हुआ, डाटा जो था मेरा वो सेव है, मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। सेटअप होने को दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड और रुकते हैं। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप लास्ट सेटअप, थोड़ा तो टाइम लगता है दोस्तों, अगर आप लोग को सही तरीके से करना है तो। देखिए हो गया, सेटिंग डाउन हो रहा है, उसका रीस्टार्ट होगा, विंडो चालू हो गया दोबारा रीस्टार्ट होने के बाद। अब डेस्कटॉप ओपन होगा, मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ कि मेरा डाटा कुछ भी खत्म नहीं हुआ, जैसे का वैसे ही है, जो डाटा मैंने रखा था इसमें सेव वो डाटा बिल्कुल सेव है, मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाह रहा था। सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, बिल्कुल इतना ही कमत, सब्सक्राइब जरूर कर दे प्लीज़, लाइक एंड शेयर भी करें प्लीज़। देखिए दोस्तों, अब मेरा डेस्कटॉप बिल्कुल ओपन हो चुका है, बिल्कुल रिफ्रेश एकदम फ्रेश डेस्कटॉप है, बिना किसी उसके बिल्कुल कोई इसमें ग्राफिक वगैरह कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, एकदम सिंपल है डेस्कटॉप। मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह, इसमें थोड़ा देख लेता हूँ। देखिए स्क्रीन रेजोल्यूशन पर अगर मैं तो हमेशा इसमें रखता हूँ सेटिंग, आप लोग का जो पसंद हो, छोटा छोटा देखना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ज़रा इसको जो हमारे गैजेट्स वगैरह होते हैं मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। देखिए माई कंप्यूटर में जाते हैं हम लोग, माई कंप्यूटर में देखने का, देखो मेरे पास एक तो ये विंडो सी है, विंडो डी मैंने फॉर्मेट नहीं किया था, जो इसके अंदर था देखिए दोस्तों हर एक चीज़ मेरे इसमें शेव है। देखिए जो मैंने रखा था इसके अंदर, जो वीडियोज़ वगैरह थे, हर एक चीज़ शेव है इसमें, तो मैंने कोई डाटा इसमें लूज नहीं किया, जस्ट मैंने अपना विंडो सी ड्राइव ही मैंने अनइंस्टॉल किया था, इसी को मैंने इसमें फॉर्मेट किया, इसी को मैंने इसमें इंस्टॉल किया, तो मेरे को कोई डाटा लूज नहीं हुआ। तो जब भी आप कंप्यूटर को फॉर्मेट करें प्लीज़ सारे डाटा जो डेस्कटॉप में होते हैं उसको डी ड्राइव में या किसी दूसरे ई ड्राइव में सेव रखें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया विंडो कैसे इंस्टॉल करें और कैसे किस तरीके से फॉर्मेट करके डालें, तो आपने देख लिया दोस्तों। अब क्या है, आपको सब्सक्राइब वाले बटन में दबाना है और बेल वाला आइकन में प्रेस करना है। धन्यवाद दोस्तों, आने और कोई आपको कोई सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम होता है किसी को इंस्टॉलेशन में, तो उसके लिए मेरे को संपर्क करें, मैं आपको बताऊंगा, हर एक प्रकार से मदद करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।